डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के स्नातक और परास्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए वेब पंजीकरण की तिथि को बढ़ाकर 25 सितंबर कर दिया है। पहले यह तिथि 15 सितंबर थी। इसके साथ ही आवासीय इकाई के सभी पाठ्यक्रमों में सीटों की संख्या को बढ़ाकर 60 कर दिया गया है। हाँ, कल विश्वविद्यालय ने वेब रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पुनः आरम्भ की है। यद्यपि हमारे महाविद्यालय में मेरिट लिस्ट तीनों निकल चुकी है और हमारे महाविद्यालय में छात्रों के एडमिशन के कार्य काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं और लगभग पूरे हो चुके हैं। अब हम अपने महाविद्यालय में विशेष रूप से जब विश्वविद्यालय के द्वारा सीटें बढ़ाई जाएंगी उस समय हम अपने महाविद्यालय में रजिस्ट्रेशन को पुनः खोलेंगे। कई महाविद्यालयों के प्राचार्य और छात्रों की मांग पर कार्यवाहक कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक के निर्देश पर वेब रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि को 25 सितंबर तक के लिए विस्तारित कर दिया गया है। हाँ, हम उसकी डिमांड करते हैं और विश्वविद्यालय से यह निवेदन करते हैं कि 30% सीटें यथाशीघ्र हमको उपलब्ध कराएं ताकि जो हमारे युवा हैं ये भटके ना और क्लासेस में आना आरम्भ करें। जल्दी से जल्दी हम एडमिशन अपने पूरे कर लें। विगत 12 सितंबर को संपन्न हुई कार्य परिषद की बैठक में निर्णय लिया गया था कि आवासीय इकाई के सभी पाठ्यक्रमों में सीटों की संख्या को बढ़ाकर 60 कर दिया जाएगा। डीन अकादमिक प्रोफेसर संजीव कुमार ने बताया कार्य परिषद के निर्णय के अनुपालन में आवासीय इकाई में संचालित सभी पाठ्यक्रमों में सीटों की संख्या को बढ़ाकर 60 कर दिया गया है। शासन के अनुसार एक सेक्शन के लिए स्वीकृत सीटों की संख्या 60 होती है। हमारे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए और बीएससी बायोटेक्नोलॉजी सब में हम लगभग निकट पहुंच चुके हैं अपने एडमिशन के, जितनी हमारी सीटें अलॉटेड थी। आवासीय इकाई में संचालित एमएससी के कई पाठ्यक्रमों में सीटें भर जाने के कारण यह कदम उठाया गया है। अब तक स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए कुल 119,709 से अधिक वेब पंजीकरण हुए हैं। सी न्यूज़ के लिए लक्ष्मीराज सिंह की रिपोर्ट।